रविकांत दुबे, धाम से आप उपाय ले जाना, आपकी दोनों किडनी ठीक हो जाएं। सीबी गुप्ता, आपका जन्मदिन कब है? रोज जब सो के उठें तब हैप्पी बर्थडे। एक दिन मनाना हो तो 4 जुलाई 2023 1996 4 जुलाई। कुंभकर्ण और विभीषण में कौन श्रेष्ठ था? दोनों ही नहीं थे, कौन श्रेष्ठ था? दोनों में श्रेष्ठता देख रहे हो, राक्षस के वंशों में कौन श्रेष्ठ हो सकता है? और कुंभकर्ण और विभीषण में, अच्छा कुंभकर्ण और विभीषण में, ये पूछने वाली बात किसने पूछा है? ये मोहित करके हैं, उनका सवाल है। और उसमें उस सवाल में ये है कि कुंभकर्ण सब जानते हुए भी अपने भाई के साथ अंतिम तक रहा। हाँ, ऐसे प्रश्न को मोहित, बिल्कुल हाँ, हमसे गलती हो गई, हम मेघनाथ की तरफ ध्यान था हमारा, हाँ क्षमा मांगते हैं, हमसे भूल हो गई। कुंभकर्ण विभीषण में भ्रातत्व में एक ने भाई का साथ दिया, एक ने भाई के विरोध में काम किया। सुनिए, विभीषण श्रेष्ठ थे, पूछो क्यों। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब मीरा ने पूछा कि मेरा परिवार भगवान की भक्ति नहीं करने देता है तो क्या करें, तो तुलसीदास जी ने पत्र में जो जवाब दिया था उस जवाब के साथ इस बात को हम मेंशन करेंगे। जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजो कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम ना हो, भगवान ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो। सबसे बड़ा नाता होता पिता का, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगलकारी। पिता का त्याग प्रहलाद ने किया, भाई का त्याग विभीषण ने किया, गुरु का नाता सबसे बड़ा होता है बलि ने कर दिया, राजा बलि ने कर दिया, और यहाँ तक कि माँ का नाता सबसे बड़ा होता है, लेकिन भगवान राम के लिए भरत जी ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, राम के कारण। तो दोनों में, कुंभकर्ण और विभीषण में, विभीषण ही कई ही भक्ति श्रेष्ठ है, और विभीषण की महत्ता श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने सत्य को जानते हुए सत्य का साथ दिया, और सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है, और जो सत्य को जानकर के भी असत्य का साथ देता है वही दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त व्यक्ति होता है, इसलिए विभीषण श्रेष्ठ हैं। और पहले जो हम बोले हैं वो हम कुंभकर्ण और मेघनाथ के चक्कर में बोले हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में विभीषण जी श्रेष्ठ हैं, राम रघुनाथ जी की शरण उनको मिली।